हाय एवरीवन, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें आगे आने वाले नोटिफिकेशंस की जानकारी के लिए। तो आप आ गए हैं कुक विद रंजू चैनल पर आज एक रेसिपी के साथ जिसका नाम है वेजिटेबल मैक्रोनी। मैक्रोनी वैसे इटालियन स्टाइल में बनती है लेकिन आज हम इसे इंडियन वेजिटेरियन स्टाइल में बनाएंगे बहुत सारी वेजीज के साथ। तो एक नए ट्विस्ट के साथ हम शुरू करते हैं। यहाँ पर एक भगोने में मैंने पानी ले लिया है, करीब मान के चलिए 1.5 लीटर पानी है और इसमें थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया है और साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। पानी में उबाल आ गया है और ऑयल और नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। ये एल्बो मैक्रोनी है, मैंने 3 कटोरी मैक्रोनी इसमें ऐड की है। तो आज जो भी क्वांटिटी हम लोग ऐड करेंगे वो 3 कटोरी मैक्रोनी के अकॉर्डिंग करेंगे। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपकी इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है वो प्रॉपर है तो आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने चला के मिक्स कर दिया है, अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो ये नीचे भगोने की तली पर चिपकने लगेगी। तो देखिए उबाल आ रहा है, झाग भी आ रहे हैं पानी पे, जैसे जैसे पानी बॉयल होता है इसमें ऊपर की तरफ झाग आने लगते हैं। तो करछी मैं इसमें डाल के ही रखती हूँ ताकि इसको मैं बार बार चला सकूँ। और करछी डाल के रखने से एक और फ़ायदा है क्योंकि इसका उबलता हुआ जो झाग है वो नीचे हमारी गैस पर नहीं गिरता है, इसलिए मैं इसे बार बार चला रही हूँ। और अभी मैंने गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया है क्योंकि हाफ कुक हो चुका है ज़्यादा तेज आँच पर। अब अगर हम इसे कुक करेंगे तो ये मैश हो जाएगी और इसकी शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए अभी इसको स्लो आंच पर। देखिए थोड़ा थोड़ा पकने भी लगी तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हमें इसके पूरे ट्रांसपेरेंट होने तक इसको कुक करना है। तो थोड़ी देर के लिए और गैस को स्लो पे रखेंगे और देखिए पानी रिड्यूस हो रहा है इसका, इट मीन्स ये कुक हो चुकी है। और हम इसे हाथ से भी प्रेस करके देख लेंगे। तो अब इसको हमें अलग एक बर्तन में निकालना है, इसका पानी ड्रेन आउट करके। नीचे एक बर्तन रख लिया है और ऊपर हमने एक जाली रख लिया है, उसमें हमने निकाल लिया है। उसके बाद इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। तो आगे क्योंकि वेजिटेरियन स्टाइल में बना रहे हैं तो वेजीज को फ्राई भी करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल अपने वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग हमें ऐड कर लेना है। तो देखिए मैंने क्या क्या वेजिटेबल लिया है, पोटैटो, कैप्सिकम, बॉइल्ड पीज है, अनियन है, टमाटो है और 2 ग्रीन चिली है जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है। सारी वेजीज को मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर ब्लैक वाले मस्टर्ड सीड्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये क्रैकल होके जब सेटल डाउन हो जाएंगे तब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज। प्याज को पहले ही ऐड करना ज़रूरी होता है, आप लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज में बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो कि हमें कुक करके थोड़ा सा मॉइस्चर इसका कम करना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं पोटैटो के जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर रही हूँ, छोटे छोटे कट कर लिए हैं, आपको जैसी भी शेप पसंद है आप कट कर सकते हैं, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पोटैटोस को मिक्स करके साथ में मैंने कैप्सिकम भी डाल दिया। सारी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा टाइम पोटैटोज ही लेते हैं कुक होने में, तो इसे डाल के चला देंगे और लगभग 5 से 7 मिनट तक हम कैप्सिकम और पोटैटोस को ही कुक करेंगे। जब ये थोड़ा कुक हो जाएगा तो हम इसमें ग्रीन चिली ऐड कर रहे हैं और साथ में बॉईल किए हुए मटर के दाने। दोस्तों ग्रीन चिली को ऑयल में फ्राई करने से एक फ़ायदा होता है कि इसका सारा फ्लेवर रेसिपी में आ जाता है और ये हमें तीखी भी नहीं लगती है, नॉर्मली बच्चे इसे रिमूव कर देते हैं मगर अगर आप ऑयल के साथ फ्राई करेंगे तो कोई रिमूव नहीं करेगा इसको। ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चाट मसाला 1 टीस्पून, इसको स्पाइसी सा फ्लेवर देंगे हम लोग। तो ये 1 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये बहुत तीखा होता है इसलिए हमने 1/2 टीस्पून किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और साथ में 1/2 चम्मच मैंने इसमें अमचूर ऐड कर दिया है थोड़े से खटास के लिए। तो एक बार फिर से चला के मिक्स कर देंगे और अभी टमाटो तो रह ही गया है वो भी इसमें डाल देंगे और अब इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। वेजिटेबल्स को बहुत अच्छे से भूनना चाहिए और भूनने के साथ ही अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
तो मैंने 1 टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, ये भी इसको एक खट्टा सा फ्लेवर देगा। तो मैंने 1/4 इसमें लेमन ऐड कर दिया है और अब मैं इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर रही हूँ। शुगर से जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं और नमक है वो सारा बैलेंस हो जाता है। और सारी सब्जियां भुनने के बाद अब बारी आती है इसमें हमको मैक्रोनी ऐड करने की। तो मैक्रोनी को हमने ऐड कर दिया है, ये बहुत सॉफ़्ट हो जाती है क्योंकि बॉईल होने के बाद, तो इसको बिल्कुल आहिस्ते से चलाना है क्योंकि ये वेज मैक्रोनी है वेजिटेबल स्टाइल में। तो मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी ऐड करूँगी ताकि एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर इस पर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी अगर इसे हम चाइनीज़ स्टाइल में या इटालियन स्टाइल में बनाते हैं तो हल्दी नहीं ऐड करते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरह बन चुका है मगर फिर भी मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि जो स्टीम अराइज होगी उससे ये और सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने अब हटा के देखा, पूरी तरह से हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। अब इसको सर्व करने का टाइम आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह तैयार हो गई हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो इसे सर्व कर देते हैं एक प्लेट में, गरम गरम इसे सर्व कर रहे हैं चाय के साथ, इसका आनंद लीजिए। और थोड़ा सा मैंने गार्निश कर दिया है इसको हरे धनिया से। तो देखिए दोस्तों ये हमारी वेज मैक्रोनी तैयार हो चुकी है। तो इन्जॉय करिए इस रेसिपी को, और बहुत सारी इसी तरह की रेसिपी आने वाले टाइम में मैं लेकर आती ही रहूँगी आपके साथ। अपने कमेंट्स भी मुझे आप बताते रहिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। गुड बाय।